दोस्तों, अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी अच्छे दोस्त थे। गांधी और बच्चन परिवार पहले इलाहाबाद में ही रहते थे। राजीव की पहली मुलाकात अमिताभ से उनके जन्मदिन पर हुई थी। तब अमिताभ 4 साल के थे, जबकि राजीव उनसे 2 साल छोटे थे। उस समय इंदिरा गांधी राजीव को अपनी गोद में लिए अमिताभ के 4th जन्मदिन पर उनके घर पहुंची थी। इन दोनों बच्चों के जन्म से पहले ही बच्चन और गांधी परिवार के बीच गहरी दोस्ती थी। अमिताभ बच्चन जब मुंबई में संघर्ष कर रहे थे, तब राजीव गांधी ने उनका हर कदम पर साथ दिया था। अमिताभ बच्चन को राजनीति में लाने का श्रेय भी राजीव गांधी को ही जाता है। जब वो कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीते भी, हालांकि बोफोर्स कांड के बाद अमिताभ ने राजनीति से अपनी दूरी बना ली। राजीव गांधी की मौत के बाद अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार से भी दूरी बना ली थी। तो आइए बताते हैं वो दिलचस्प किस्सा। हुआ यूं, बात उन दिनों की है जब अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ा फ्लैट लेकर रह सकें। इसी वजह से तब के मशहूर एक्टर कॉमेडियन महमूद के भाई अनवर के साथ रूम शेयर करके अमिताभ रहने लगे। अनवर का रूम पार्टनर होने की वजह से अमिताभ की महमूद से भी खूब पटती थी। ऐसे ही एक शाम अमिताभ बच्चन एक गोरे चिट्टे और स्मार्ट लड़के के साथ अनवर के रूम पर पहुंचे। इस दौरान महमूद भी फ्लैट में ही मौजूद थे। अमिताभ का दोस्त होने के नाते अनवर भी इस लड़के से परिचित थे। इस बीच अनवर ने महमूद से इनका परिचय कराना चाहा, लेकिन नशे में धुत महमूद उनकी कोई बात समझ ही नहीं पाए और तुरंत ही अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर इस लड़के के हाथों में रख दिया। महमूद उस दौर में एक्टर के साथ ही नामी गिरामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अमिताभ किसी स्ट्रगलर एक्टर दोस्त को अपने साथ लाए हैं। लेकिन ये स्ट्रगलर कोई आम आदमी नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री के बेटे राजीव गांधी थे। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता उससे पहले महमूद जोश में आते हुए बोले, ये लड़का अमिताभ से ज्यादा गोरा चिट्टा और स्मार्ट है, देखना ये एक दिन बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टार बनेगा। इतने में ही महमूद ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकाले और राजीव गांधी के हाथ पर रखते हुए बोले, ये 5,000 रुपए तुम्हारे लिए मेरे अगले प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बतौर साइनिंग अमाउंट है। ये देख राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन और अनवर भौचक्के रह गए। कुछ समय बाद जब नशा उतरा तो महमूद को राजीव गांधी के बारे में बताया गया। इसके बाद ये सभी जमीन पर लोट पोट कर खूब हंसे। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी का ये किस्सा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो सही समय पर आप तक पहुंच सके।